नमस्कार, glubs.in में आपका स्वागत है। कोटा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रतखंडी के नागरिकों को सामुदायिक भवन का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहां पिछले 6 माह से सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर PMGSY का काम करवा रहे ठेकेदार को सरपंच व सचिव ने किराए पर दे रखी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरपंच पति और सचिव को किराए मिल रहे हैं। पिछले 6 माह से ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को कुछ भी सामाजिक काम पड़ने पर चांदनी तिरपाल लगाकर करना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार को कम कीमत में भवन मिलने के नाम से भवन को छोड़ने का भी नाम नहीं ले रहा। जी, अपने ग्राम पंचायत रतखंडी में ग्राम बरर से बेलगा ग्राम पंडरा पत्थर तक जो रोड का काम चल रहा है, वो ठेकेदार लोग जो काम टेंडर उठाए हैं, उन लोग अपने ग्राम पंचायत का रतखंडी का सामुदायिक भवन को ग्राम पंचायत सरपंच सचिव इन लोग 2000 रुपया महीना में उनको दिया गया है। ये गांव लोग बता रहे हैं, एक पंच बता रहा है। हम सोच रहे थे कि एक महीने के लिए चलो दे दिया है, वो तो आज की डेट में 6 महीना हो गया, तभी तक हम ग्रामवासियों लोग कहीं काम पड़ जाए कहीं सामुदायिक भवन का, अभी तक गाँव वालों को सामुदायिक भवन नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोग व्यस्त है, गाँव लेके काम करता है, कहीं गांव में किसी का कोई ज़्यादा से जनसंख्या आ गया, किसी का शादी हो गया, छठी हो गया, तो वो काम नहीं मिल पाता 6 महीना से। सरपंच सचिव लोग से बात होंगे सर जी, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि कितना दिया है। सुनाई में पता चल रहा है कि 2000 महीना में दिया है। हम तो सोच रहे थे कि 1 महीना के लिए, हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता के लिए दिया है, लेकिन आज तो 6 महीना गुजर गया। मीटिंग तो चर्चा भी नहीं किया है ग्राम सभा में। ग्राम सभा हुआ था? हुए होंगे सर जी, मेरे ग्राम सभा में आज तक सूचना भी नहीं दिया है, तो कहाँ पहुँचूंगा मैं। सचिवों को कार्रवाई होना चाहिए तत्काल यहाँ कि सामुदायिक भवन किराए में दिया गया है। तो वो जो गांव लोग वाला तो बता रहा था, तो उसके बारे से जो किराया 2000 रुपये में जो दिया है, इस टाइप की जानकारी मिला है। किसको दिया? वो ये रोड वाला को, ये रोड बनाते से 3 महीने बाग तो किराया में दे उसने जान बिलगहना से। हाँ, सामुदायिक मंच है भवन। हाँ, दिया है सामुदायिक भवन को एक किराया में जो दे दिया गया है सरपंच के द्वारा, एक मनहरण श्रीवास के द्वारा सचिव। इस बारे से फिर बोलने की कोशिश करे थे, फिर 15 अगस्त के उपलक्ष्य से जो मीटिंग रहा, तो फिर मनहरण श्रीवास आया, अब फिर उस बीच में फिर सरपंच नहीं आ पाया। शुक्रवार की मीटिंग रही, कौन से तारीख रही उसके बारे से मुझे ध्यान भूल गया है। हाँ, मीटिंग भी नहीं हो पाई। हम तो नहीं मानते हैं भाई उसको किराया देने पर, उसका नियम नहीं है। बिल्कुल करेंगे सर उसके बारे से शिकायत। रमेश कुमार पटेल, ग्राम पंचायत रतखंडी। तभी से ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के लिए बनाए गए सारे कड़े नियम कायदे हाशिए पर चले गए हैं। जब इसकी जानकारी मीडिया द्वारा जनपद पंचायत CEO को दी गई, तो जल्द से जल्द जांच कर कार्यवाही की बात कही। हम का जानी घर बना है सरपंच कोर्स के लिए। कितना झूठ बोल रहे हैं? 6 महीना हो गया आपके यहाँ? 6 महीना यहाँ काम ही नहीं चला, कैसे रह गए आपके कहने से हो जाएगा? यहाँ पे तो ग्रामीण बता रहे 6 महीने से। आप बताइए, हमारे सामने ले आइए, कौन ग्रामीण बता रहा है उसको ले आइए। जनप्रतिनिधि भी बता रहे, पंच भी बता रहे, पंच भी बता रहे, जनप्रतिनिधि बता रहा, चलिए उसके पास हमको ले चलिए। कौन बता रहा? चलिए चलो, ले चलते हैं। चल, तो क्या किराए से हैं आप लोग? नहीं, किराए से नहीं। तो काम करते हैं शासकीय भवन में रहने का आपको अनुमति कहाँ से मिला? हमको सरपंच से पूछा कि खाली है दे दीजिए, हम लोग ये काम करेंगे रोड के, इसके बाद चले जाएंगे। तो रोड का काम हुआ तो कई दिन हो गए? 3 महीने नहीं हुआ है, पत्थर गाड़ने बचा है, पत्थर गाड़ना है, बोर्ड लगाना है, इसके बाद हम लोग चलते। परवेज खान, राकेश कंपनी, बिलासपुर। जैसा मुझे अभी सूचना प्राप्त हुई, ग्राम पंचायत रतखंडी में सामुदायिक भवन को कुछ PMGSY में कार्य करने वाले वर्कर्स और ठेकेदार को किराए पर दे दिया है। इस मामले की मैं पूर्णतः जांच कराऊंगा और जिस तरह से दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई करी जाएगी।
पंचायत के जितने भी एसेट्स हैं वो ग्राम सभा के पास ही होते हैं, तो जैसा भी होगा उस मामले में मैं ग्राम सभा की कार्रवाई का लेखा मंगवा के उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। अस्थायी तौर पर 2000 रुपए महीने के किराए पर सामुदायिक भवन को ठेकेदार के लिए दिया गया, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत के खाता में सरपंच सचिव अब तक किराए का रकम 1 रुपए भी जमा नहीं किया। वहीं देखना है कि प्रशिक्षु सीईओ की जांच के बाद रतखंडी सरपंच व सचिव पर क्या कार्रवाई होती है। For more information, log on to www.clips.in.